हेलो दोस्तों वेलकम टू सुमित फ्लिक्स आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रीजन वाइज एवरेज सैलरी इन यूके अगर आप में से जो लोग यूके में जॉब करने का प्लान कर रहे हैं तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन कि आपको यूके में किस एरिया को टारगेट करना है तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे आपने अब तक मेरी जर्नी में मुझे सपोर्ट किया है वैसे ही आगे करते रहिए और जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं तो ओवरऑल यूके में अगर सैलरी uh, को देखें तो एवरेज सैलरी जो है वो है थर्टी थाउजेंड पाउंड एनुअली अगर आपको प्रिसाइज नंबर दूं तो ये होगा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड एटी एट पाउंड्स। तो अगर इसका वीकली कैलकुलेशन देखें तो वीकली आपको पड़ेगा फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी नाइन पर वीक ये जो मैं नंबर आपको बता रहा हूँ ये है एवरेज एनुअल सैलरी इन यूके पर अगर रीजन वाइज देखेंगे तो रीजन वाइज थोड़ा डिफरेंस पड़ता है क्योंकि आ, हर रीजन में जो लिविंग कॉस्ट है जो फॉर एग्जांपल जो रेंट है या फिर वीकली ग्रॉसरी का जो है उनमें थोड़ा डिफरेंस रहता है तो उसके हिसाब से सैलरी ऊपर नीचे रहती है आपको मेरी एडवाइस हमेशा ये रहेगी कि सैलरी को एक मेन पॉइंट ना रखें किसी भी रीजन को चूज करने से पहले क्योंकि अगर मान लो आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है बट उसी हिसाब से उस रीजन में एक्सपेंसेस भी होंगे फॉर एग्जाम्पल लंडन रीजन में एवरेज एनुअल सैलरी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर रीजन बट लंडन में लिविंग कॉस्ट उसके हिसाब से ज्यादा है जो आपका मंथली रेंट है या फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन है या नॉर्मल वीकली ग्रोसरीज का भी देखेंगे तो वो लंडन में एक्सपेंसिव है एज कंपेयर टू अदर एरियाज अब मैं आपको दिखाता हूं कि यूके के हर रीजन में एवरेज सैलरी क्या रहता है तो स्क्रीन पर आप जो देख रहे हैं ये है यूके का मैप और इसमें जो मेजर रीजन्स हैं वो है स्कॉटलैंड देन नॉर्दर्न आईलैंड रेस्ट इज इंग्लैंड तो हम इंग्लैंड से शुरू करते हैं जो सबसे पहला रीजन है वह है साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट में जो वीकली सैलरी है वह है फाइव हंड्रेड एटी नाइन पाउंडस इसमें जो मेजर सिटीज होंगे वो होगा साउथ हम्पटन ब्राइटन रेडिंग विंसर साउथ हॉल ये सारे सिटीज साउथ ईस्ट रीजन में आते हैं नेक्स्ट एरिया इज़ लंडन लंडन में जो वीकली सैलरी है वो है सेवन हंड्रेड थर्टीन पाउंड्स बट अगेन लंडन में एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से वीकली uh, सैलरी भी ज़्यादा है नेक्स्ट रीजन इज ईस्ट इंग्लैंड ईस्ट इंग्लैंड में जो मेजर सिटी है वो कैम्ब्रिज है और इसका एवरेज वीकली सैलरी है फाइव हंड्रेड फिफ्टी एट पाउंडस साउथ वेस्ट में फाइव थर्टी वन अगर ऊपर चलते हैं वेस्ट मिडलैंड फाइव हंड्रेड थर्टी सेवन ईस्ट मिडलैंड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन और नॉर्थ वेस्ट फाइव हंड्रेड थर्टी नॉर्थ वेस्ट में जो आपके मेजर सिटीज़ हैं वो है मैनचेस्टर, लिवरपूल बर्मिंगम देन यॉर्क्स में फाइव हंड्रेड ट्वेंटी वन नॉर्थ ईस्ट फाइव हंड्रेड सेवन तो ये था सारा इंग्लैंड का एवरेज वीकली सैलरी तो ओवरऑल फ्लो की बात करें तो जो साउथ में है साउथ में वीकली एवरेज सैलरी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ बट अगेन द रीजन इज सेम बिकॉज एक्सपेंसिज साउथ में ज्यादा है एज कम्पेयर टू नॉर्थ वेल्स की बात करें तो वेल्स में एवरेज वीकली सैलरी फाइव हंड्रेड नाइन पाउंडस मेजर सिटी आई थिंक इज कार्डिव तो नेक्स्ट जो रीजन है वो है स्कॉटलैंड एंड स्कॉटलैंड में एवरेज वीकली सैलरी है फाइव हंड्रेड एंड सिक्सटी थ्री पाउंडस मेजर सिटीज आर ग्लास्को एंड एडिब्रा बट स्कॉटलैंड में अगर आप देख रहे हो तो नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड के कंपेरिजन में नॉर्थ uh, जो रीजन है उसके कंपैरिजन में एवरेज वीकली सैलरी ज़्यादा है अल बट अगेन स्कॉटलैंड इज लिटिल एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू अदर रीजन सो इसलिए सैलरी ज़्यादा है एंड द लास्ट रीजन इज़ नॉर्दर्न आईलैंड नॉर्दर्न आइलैंड में एवरेज सैलरी है फाइव हंड्रेड पर वीक द मेजर सिटी इज़ बिल फर्स्ट इस टेबल मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं जो एवरेज uh, वीकली सैलरी है एंड एवरेज एनुअल सैलरी जो बनती है तो ओवरऑल यूके का जो मैंने आपको बताया था कि uh, uh, एवरेज सैलरी है वो ट्वेंटी है लंडन में एंड मिनिमम सैलरी है वो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, में जैसा कि आपने वीडियो से आइडिया लगा ही लिया होगा कि जो साउथ ऑफ यूके है वो थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव एरिया है एज कम्पेयर टू नॉर्थ नॉर्थ में जैसे जैसे आप चाहते रहते हैं तो थोड़ा एक्सपें जो लिविंग एक्सपेंस है वो थोड़ा कम होता रहता है उसके हिसाब से सैलरी भी थोड़ी कम है पर जो एवरेज सैलरी सबसे ज़्यादा है वो लंदन में है बट अगेन लिविंग एक्सपेंसिस लंदन में ही सबसे ज़्यादा हैं तो इन सब फैक्टर्स को आप ध्यान में ज़रूर रखें कि जब भी आप रीजन को सेलेक्ट कर रहे हो मे बी यू आर कमिंग फॉर योर स्टडीज़ और यूर कमिंग डायरेक्टली फॉर जॉब ये सब फैक्टर्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं क्योंकि अगर आपको सैलरी ज़्यादा मिल रहा है तो उसके हिसाब से आपको एक्सपेंसिस भी देखने पड़ेंगे तो आज की इस वीडियो में इतना ही मैं आपसे मिलता हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए बाय